दोस्तों अली गौनी ने अपनी लेडी लव जैस्मिन बसीन के लिए बिग बॉस के घर में एंट्री मारी थी। अब जैस्मिन बसीन बिग बॉस 14 के घर से बाहर जा चुकी है। ऐसे में अब अली गौनी बिग बॉस 14 का गेम अकेले खेल रहे हैं। बिग बॉस 14 के घर में कैद होने की वजह से अली गौनी अपने जिंदगी के कुछ अहम पलों को मिस कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अली गौनी मामा भी बन चुके हैं। उनकी बहन इल्हाम गौनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। जब बिग बॉस ने ये खबर अली गौनी को सुनाई कि वो मामा बन गए हैं, तो ऐसे में अली गौनी की आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन अगर अब बात करें दूसरी खुशी की, तो अली गौनी के बचपन के दोस्त हैं ईशान अहमद, जो कि शादी करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस के गेम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐसे में उनके बेस्ट फ्रेंड ईशान अहमद ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। उनका कहना है कि जब जैस्मिन और अली दोनों मेरी शादी में आएंगे एक साथ, मैं तभी शादी करूंगा, इसलिए मैं अपनी शादी की डेट को आगे बढ़ा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अली गौनी और जैस्मिन की गैर मौजूदगी में शादी नहीं करना चाहते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड ईशान अहमद। यही वजह है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया है कि अली गौनी के बाहर आने के बाद ही वो अपनी शादी करेंगे। अली गौनी के बचपन के दोस्त ईशान अहमद ने 16 फरवरी को शादी करने का प्लान किया था। इस बीच बिग बॉस के मेकर्स ने शो का टाइम और आगे बढ़ा दिया था। ईशान अहमद चाहते थे कि अली गौनी और जैस्मिन उनकी शादी का हिस्सा साथ में बने, लेकिन बिग बॉस की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अपनी खुशियों में अली गौनी और जैस्मिन को एक साथ शामिल करने के लिए ईशान अहमद ने अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही होती है दोस्ती, जहाँ पर एक की खुशी दूसरे के बिना अधूरी रहती है, और इसका जीता का एग्जाम्पल है ईशान अहमद, जिन्होंने अपनी शादी को आगे बढ़ा दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अली गौनी उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे।